हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपी। आज आम पॉलिटी रा सेट फोर किसी क्वेश्चन डिस्कशन करवा, चलन तो आरंभ करवा। भिडियोटी को संपूर्ण देखु। फर्स्ट क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग। वोटर मान रजिस्ट्रेशन किए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, इंडिविजुअल वोटर्स ना गवर्नमेंट ना इलेक्शन कमिशन ना कॉर्पोरेशन। करेक्ट आंसर हूँ इलेक्शन कमिशन, ऑप्शन सी। इलेक्शन कमिशन आर्टिकल हूँ 324। आम वर्तमान आमर चीफ इलेक्शन कमिशनर किए अच्छा, सुनील अरोरा। सुनील अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कमिशन इज नोन फॉर रिकमेंडेशन ऑफ अबोलिशन ऑफ द आईएएस एंड आईपीएस। आमर जो इंडिया आईएएस और आईपीएस अच्छा, गोटे कमिशन होता जे कि रिकमेंड कर आईएएस आईपीएस को बंद करने किए, धेवार कमिशन, ऑप्शन बी कालेकर कमिशन, ऑप्शन सी खेर कमिशन, ऑप्शन डी राजमानार कमिशन। करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन डी राजमानार कमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, द बाइकरलिज्म लेजिस्लेचर इज एन एसेंशियल फीचर्स इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कौ टाइप र गवर्नमेंट, ऑप्शन ए पार्लियामेंटरी सिस्टम, बी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सी फेडराल सिस्टम, डी यूनिटरी सिस्टम। करेक्ट आंसर हूँ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम कौन, पावर्स इज फेडरल सिस्टम मान है पावर डिवाइड होती स्ट्रॉन्ग नेशन गवर्नमेंट आउ लोकल स्मॉलर लोकल गवर्नमेंट। ओके, एटा पार्ट एक साइड अच्छे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द गवर्नमेंट इन सेंटर वुड फॉल ड्यूरिंग द बजट प्रोसीजर। ऑप्शन ए इफ द फाइनेंशियल बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट, और इफ द फाइनेंस बिल इज रिजेक्टेड बाय राज्यसभा, इफ द फाइनेंस बिल इज रिजेक्टेड बाय लोकसभा, इफ द कोर्ट मोशन फेल्स इन द लोकसभा। करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन सी इफ द फाइनेंस बिल इज रिजेक्टेड बाय द लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बा ईवीएम फर्स्ट टाइम कौ स्टेट रे इंट्रोड्यूस है। फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटका, बी केरला, सी तमिलनाडु, डी वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर हूँ केरला। केबे हुई थला 1982 रे फर्स्ट केरला रे इंट्रोड्यूस थला ईवीएम मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलिएंट फीचर ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा देखिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अच्छे याको मध्यरो कोटे सैलेंट फीचर नुहे। सैलेंट फीचर है नोटिसेबल बा इम्पोर्टेंट फीचर नुहे। देखिबा फर्स्ट होची ग्राम सभा, थ्री टायर सिस्टम, स्टेट इलेक्शन कमिशन, स्टेट प्लानिंग कमिशन। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी स्टेट प्लानिंग कमिशन टा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रा हिस्सा नुहे, सैलेंट फीचर नुहे। ओके, एबे देखंतु 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट केबे होइथिला 1992 रे होइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कमिशन्स वाज एस्टाब्लिश्ड बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोटा नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमिशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमिशन फॉर वुमेन, नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, अच्छा हाँ आउ गोटे कथा हूँ यार अमेंडमेंट एक्ट कोटा, यहाँ हूँ 89th अमेंडमेंट एक्ट, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंटर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन। आमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल पार्डन दे पारे बा क्षमा दे पारे, सेटा कौ आर्टिकल अच्छी। फर्स्ट हूँ आर्टिकल 71, आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, आर्टिकल 74। करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन बी आर्टिकल 72 रे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट वाज एनएक्टेड इन इंडिया। ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट, यहाँ को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी मध्य कहा जाए, एटा केबे होइथला एनएक्ट होइथला बा लागू होइथला 2002 बा 2005, 2006 ना 2008। करेक्ट आंसर हूँ सी 2006 रे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट एनाक्ट होता बा लागू होता। यहाँ आउ गोटे कौन कह जाए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके,
From which of the following dates the model code of conduct becomes operational in an election for a state assembly in India? आपण माने जानिथिबे जेतोळ इलेक्शन आरंभ होइ जाय सेतोळ एटा कोड ऑफ कंडक्ट सुनथिबे. कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेला केबे लागू हुए से क्वेश्चन दै छी. कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हुए इलेक्शन पई सेटा केबे लागू हुए ऑपरेशनल हुए माने क्षमता को आसे. सिक्स मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑन व्हिच इलेक्शन कमेंसेस. थ्री मंथ्स प्रायर टू द डेट ऑन व्हिच इलेक्शन कमेंसेस. सी होचे टू मंथ बिफोर द स्टेट असेंबली इज ड्यू टू फिनिश इट्स टर्म. द डेट ऑन व्हिच इलेक्शन कमिशन अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल. करेक्ट आंसर होचे द डेट ऑप्शन डी. द डेट ऑन व्हिच इलेक्शन कमिशन अनाउंसेस द इलेक्शन शेड्यूल. जेतेबेले इलेक्शन कमिशन इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन रा शेड्यूल डिक्लेयर करते सेतेबेले टू कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट. तबे आर्टिकल 43B कहा सहित जड़ित होचे रूरल बिजनेस हब्स कोऑपरेटिव सोसाइटी विलेज पंचायत फॉरेस्ट डेवलपमेंट. करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन बी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित कौन आर्टिकल 43B जड़ित. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ए बिल व्हिच इफेक्ट्स द मीनिंग एंड स्कोप of which among the following can be introduced in the parliament only on recommendation of president of india. okay correct answer option a foreign loans, b corporation tax, c tax on agriculture income, d hoche export duties. correct answer hoche tax on agriculture income jota ki president of india kor anumati dwara eta lagu hue. next question ए पर्सन कैन अपॉइंटेड आज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइड ही और सी इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड आज व्हिच अमंग द फॉलोइंग. अच्छा आम इंडिया रो जो जे अटॉर्नी जनरल हबो तार क्वालिफिकेशन कौन से चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो पारे ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ना जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना जज ऑफ हाई कोर्ट. सी जहाँ भी हेले तार क्वालिफिकेशन होची सी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हेथिबो जे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मस्ट बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेथिबो. तबे हमें देखिबा एटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रो आर्टिकल कोन 76. आर्टिकल 76 होची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. वर्तमान रो प्रेजेंट हमर अटॉर्नी जनरल के ओछंती के वेणुगोपाल होछंती हमर वर्तमान अटॉर्नी जनरल. अच्छा एटा तो होची इंडिया रे किंतु प्रति स्टेट रे कोन थाय एडवोकेट जनरल तार आर्टिकल होची 165. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच प्रोवाइड्स अ राइट टू स्पीडी जस्टिस. अच्छा आमर गोटे आर्टिकल अच्छी जोटा कि आमर जो केस रोची पड़ी रोचे से स्पीडी करवाई से आर्टिकलटा अच्छी स्पीडी जस्टिस से आर्टिकलटा कौन आर्टिकल 18 आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 ना आर्टिकल 21. करेक्ट आंसर होची ऑप्शन डी आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 कौन पाई आर्टिकल 21 टा स्पीडी जस्टिस पाई लागू हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन इन इंडिया द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉग्निशन एंड वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड राइट्स रेस्ट विथ व्हिच अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. करेक्ट आंसर हो स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट. An ordinary bill is generally circulated or put on website for purpose of eliciting the public opinion on its during which of the following stage. Ko stage re hue first hoche before first reading, b hoche after first reading but before second reading, after second reading but before third reading, option d hoche after third reading. Correct answer hoche option b after first reading but before second reading. Next question द नेशनल डिजास्टर रेस्पन्स फंड व्हिच हैज रिप्लेस द नेशनल कालामिटी कंटीजेंसी फंड ऑन 28 September 2010 हाज बीन क्लासीफाइड इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग. अच्छा आमर जो गोटे नेशनल डिजास्टर रेस्पन्स फंड अच्छे सेटा फास्ट थिला नेशनल कालामिटी कंटीजेंसी फंड जोटा कि नेशनल डिजास्टर डिजास्टर रेस्पन्स फंड 28 September 2010 रिप्लेस कल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर होची पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
द नंबर ऑफ द जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन बी इंक्रीज्ड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जो जज अच्छा से माने का तले जाइवा कहा द्वारा तांकर नंबर इंक्रीज हो पार फर्स्ट ऑप्शन इफ दैट इज ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस एंड नीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस ना बाय अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बाय एन प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट करा जाय पारिबो वर्तमान अमर इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमर वर्तमान स्ट्रेंथ होची 31। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू हाई कोर्ट टू इश्यू रिट तळे मध्ये तळे दिया जायतिबा को आर्टिकल व्हिच आर्टिकल गिव्स द अथॉरिटी बा पावर टू हाई कोर्ट हाई कोर्ट को पावर दिए कि रिट्स इश्यू करबा पई कोटा ऑप्शन ए 222 ऑप्शन बी 224 226 ना 228 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी 226 आर्टिकल 226। तबे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर अमर जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर अच्छी तार एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किए फॉरेन मिनिस्टर ना प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा एटा कौन एटा होची गोटे इंडियन थिंक टैंक ओके एटा एस्टाब्लीश केबे हेतला 1943 रे होतला कौन इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यार काम कौन यार काम है इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन अफेयर्स को स्टडी करिबा ओके। भिडियोटी केमी लगला कमेंट बक्स तले लिखि जनातु जदि किसी डाउट अच्छे आप कमेंट भी करेंगे। भिडियोटी को संपूर्ण देखु धन्यवाद आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल पाखे बेल कैंटी को प्रेस कर दिखाँ जहाँफल हाई क्वालिटी भिडियो आपको प्रथम आसपार।